मसीह के। और कैसे आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? और मैं भी ठीक हूँ। तो हम देखेंगे दशमांश के बारे में, है ना? हो सकता है बहुत बार हम लोग यहाँ सुने हैं, हाँ, और लेकिन फिर भी जो मैंने बताया था पिछले दिनों में उसी में से एक हिस्सा है दशमांश भी, है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में बताओ। इससे पहले एक छोटा सा गवाही मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, एक छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ जो हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे, है ना, और हो सकता है नहीं भी सुने होंगे, लेकिन आप इस्तेमाल जरूर करते हैं, है ना? एक मिनट, ये आपको दिखा दे रही क्या है? कोलगेट, है ना? ये सब सभी लोग देखते हैं और सभी लोग इस्तेमाल किए हैं और अभी भी करते होंगे, है ना? और हो सकता है नहीं देखे होंगे वो लोग, हो सकता है वो ब्रश नहीं करते होंगे, है ना? जो नहीं जान रहे होंगे वो ब्रश नहीं करते, इसलिए नहीं जान पा रहे होंगे, है ना? और हो सकता है हम पहली बार यही नाम सुने होंगे हम समय से, है ना? पहले तो सबसे यही नाम ही सबसे पहले कोलगेट, है ना? पेप्सू ने तो बाद में, है ना, पेप्सूडेंट हो गया, रेट सब इसे हम बाद में सुने, मेरे ख्याल से सबसे पहले कोलगेट ही सुने हैं, है ना? लेकिन मैं आज इस कोलगेट के बारे में बता हो सकता है इसे बेच मैं बेच नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन इसके पीछे एक गवाही है, है ना? और जो ये गवाही एक मसीही व्यक्ति का नाम है, हाँ, कोलगेट, हाँ। और ये मैं गवाही मैं सुना था जब मैं ट्रेनिंग के पीरियड में था, उस समय सुना था, और मैं जब इंटरनेट में खोज रहा था उस समय मुझको मिला था। तो ये गवाही बहुत ही अच्छा है, ये इसका मतलब ये कोलगेट जो, हाँ, एक व्यक्ति का नाम है कोलगेट, मतलब कि विलियम कोलगेट करके, है ना? और वो इंग्लैंड का रहने वाला था, हाँ, इंग्लैंड, हाँ। और उनके मतलब वो काफ़ी गरीब, है ना, किसान थे वो लोग, है ना, वो किसान थे। और वो किसान थे, उसके पिताजी मतलब कि रॉबर्ट कोलगेट वो भी किसान थे, मतलब कि किसानी करते थे, और इस प्रकार से लोग काफ़ी गरीबी की हालत में लोग चल रहे थे। लेकिन जो एक समय था कुछ मतलब कि उनका जन्म 25 जनवरी 1783, है ना, 1783 में मतलब कि विलियम कोलगेट का जन्म हुआ था, है ना? और 1778 में अमेरिका में लोग आए, हाँ, इंग्लैंड से अमेरिका में आकर के वो लोग मतलब कि वहाँ बस गए, है ना? और जब ये विलियम कोलगेट मतलब कि 19 साल का हो चुका था, उस समय एक निर्णय को लिया कि मैं भी एक अपना फैक्ट्री खोलूँगा, हाँ। और उसने साबुन का फैक्ट्री खोला, साबुन और कैंडल का, हाँ। और इस प्रकार से वो अपना व्यवसाय को बढ़ाने लगा, है ना? तो उसमें काफ़ी उसको लॉस हो गया, हाँ, बहुत उसको घाटा हुआ। उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, हाँ। उसके बाद उसका एक मुलाकात एक कैप्टन से हुआ जो चलाते हैं पानी जहाज, उस कैप्टन से हुआ। और वो एक मसीही व्यक्ति था, उसको मतलब वो व्यक्ति मतलब कोलगेट को मतलब कि सुनाया, हाँ, विलियम कोलगेट के सुनाया शुभ संदेश, हाँ। शुभ संदेश सुनाने के बाद इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हाँ, यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने ग्रहण करके मतलब कि उसको बहुत ही अच्छा लगा संदेश, और उस मतलब यीशु मसीह को वो विलियम कोलगेट ने ग्रहण किया। और वो जो सुसमाचार सुनाया था उसने कुछ बातों को कहा था, सभी परिस्थितियों में, हाँ, परमेश्वर को पहला स्थान देना, पहला कहा था उनको कि सुसमाचार सुनाने के बाद उसको कहा था कि सभी परिस्थिति में मतलब कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, और दूसरा कहा था अपना दिल परमेश्वर को देना, और तीसरा कहा था हर दिन परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना, हाँ, और चौथा कहा था कि जो भी तुम काम करोगे, हाँ, जो भी कमाओगे उसका दशमांश देना। ये चार बातें उस व्यक्ति मतलब विलियम कोलगेट को मतलब कि, हाँ, बताया था, क्या बताया था, हाँ, वो सुसमाचार बताने वाला है ना। तो ये सब सुन करके वो यीशु मसीह ग्रहण किया। उसके बाद यीशु मसीह पीछे चलने लगा और उसके बाद एक फैक्ट्री खोला, है ना, कोलगेट करके, हाँ। और कोलगेट खोलने मतलब कि बहुत उसको तकलीफ का सामना करना पड़ा। उसके बाद 6 साल के बाद, हाँ, 6 साल के बाद उसको मतलब कि कोलगेट में काफ़ी तरक्की होने लगा। उसके पास वो मतलब कि दशमांश देने लगा, 10%
हाँ, उसका देखने लगा कि और भी ज्यादा बढ़ने लगा, तो 20% इसी प्रकार 30% उसके बाद वो 90% देने लगा और 10% सिर्फ अपने लिए रखने लगा। और ये 90% के द्वारा वो बाइबल कॉलेज में वो हेल्प के तौर पर सहायता के लिए वो देने लगा और बाइबल कॉलेज खोला। इस प्रकार से उसने सहायता करने लगा और सिर्फ 10% वो अपने लिए रखने लगा और उस 10% के द्वारा मतलब 10% से अपना जीविका जो भी है उसका घर सब चलता था। इस प्रकार से उसने किया और उससे उसको मालूम चला कि जितना भी हम देंगे हाँ उतना ही मतलब कि हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर है ना जो जो देता है हाँ उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हाँ, और देखिए आज ही कोलगेट है ना जो बेस्ट है। हाँ, कोलगेट हर एक लोग जानते हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता, गांव में हो चाहे वो शहर में हो। हाँ, और हर एक लोग इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और आगे भी करेंगे, है ना। तो ये इसका ये गवाही है जो जो ये कोलगेट है, विलियम कोलगेट, वो एक व्यक्ति का नाम है। हाँ, उसी के नाम से कोलगेट रखा गया है। और वो व्यक्ति दसवांश को देने के लिए स्टार्ट किया। हाँ, 10% से, और ऐसे 10 से 20 30 40 50 60 लास्ट में 90 तक, और 10% सिर्फ अपने लिए रखने लगा वो। हाँ, और उस 90% से हाँ बाइबल कॉलेज जहाँ परमेश्वर का सेवा हो रहा है वहाँ खर्च करता था। और इस प्रकार से आज देखिए परमेश्वर ने इतना ऊंचा इसको आगे बढ़ाया कि हर एक गांव में मिलता है, हर एक दुकान में मिलता है। हाँ, जितने भी राशन दुकान है ना, और हर एक लोग जानते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसने दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उसने देना सीखा। हाँ, अब इसी प्रकार से ये छोटा सा गवाही है ना। तो हम लोग आइए एक वचन को हम देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मलाकी उसका हम लोग 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद, 6 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। आइए हम बात करें। प्यार परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक से बातचीत कीजिए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। सो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है दशमांश की चोरी। हाँ, आपका में क्या लिखा है? दशमांश। मेरा में भी लिखा है दशमांश की चोरी, है ना। यहाँ पूरे साफ रीति से लिखा है दशमांश की चोरी। और यहाँ पर लिखता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है ना। परमेश्वर मतलब कि एक सा है। हाँ, और हम देखते हैं, हम लोग 8 पद देखते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा
यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुझे तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। हाँ, यहाँ साफ लिखा हुआ है दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है कि सारी जाति ऐसा करती है। हाँ, है ना, यहाँ पर 19 पर 9 पद में तुम पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कहता है कि सारी जाति ऐसी करती है। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं हम ऐसा क्यों करें। समझ रहे बात को? कहता है कि सारी जाति परमेश्वर को लूट रहे हैं। हाँ, लेकिन हम और आप परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, तो हम ऐसा क्यों करें? हाँ, इस प्रकार से तुम पर सभारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर चाहता है कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, अर्थात परमेश्वर के कार्य बढ़े, है ना, परमेश्वर के लिए। हाँ, मतलब कि परमेश्वर का कार्य और भी आगे बढ़े। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हें ऊपर अपरंपार की आशीष करता आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, कहता है कि तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा, हाँ, अपरंपार की करूँगा, है ना, तुम्हें मैं ऐसा करके हमको परखो कहता है। हाँ, अगर हम ऐसा करके हम परखेंगे तो परमेश्वर कहता है अपरंपार की हम मतलब कि आशीष को देंगे। जैसे कि हम देखते हैं कोलगेट के बारे में, है ना, देखिए वो आज हर एक लोग जानते हैं। हाँ, हर एक लोग पहचानते हैं। हाँ, हर एक लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन उसका जीवनी क्या है, हाँ, इसको जानने का प्रयास करने नहीं चाहिए, है ना, कि वो कौन है, हाँ, किसने बनाया, है ना। तो देख, अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो उस व्यक्ति का नाम है जो एक मसीही व्यक्ति था। हाँ, और परमेश्वर ने उसको इतना ऊपर उठाया कि आज हर एक लोगों का घर में पाया जाता है उसका सामान, और परमेश्वर के लिए वो देते गया। हाँ, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के लिए, हाँ, देंगे, हाँ, दशमांश देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। हाँ, हमें हर एक चीजों में मतलब कि अगुवाई करेगा, है कि नहीं। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर परंपरा की आस की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, उसने परखा। हाँ, और उसको मालूम चला कि एक बार देने से और भी मिल रहा है, और वो देते गया। हाँ, और सिर्फ 10% सिर्फ अपने ही रखा। हाँ, हाँ, मला कि उसका 3:6 हम पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ विलियम कोलगेट ने सिर्फ 10% अपने लिए रखा और 90% परमेश्वर की सेवा के लिए, और वो 90% से कई बाइबल कॉलेजों में सहायता मिली। हाँ, और कई कॉलेज मतलब कि कोलगेट ने खोला इस प्रकार से बाइबल कॉलेज। तो इस प्रकार से, हाँ, उसने सेवा का आरंभ किया और परमेश्वर का उसे इतना ऊपर उठाया कि हम हर एक घर में पाए जाते हैं, उनका नाम को हम लेते हैं। हाँ, उसी प्रकार से हम वचन में देखते हैं कि मैं तुमको कुछ नहीं बल्कि सील बनाऊंगा। हाँ, और जो कोई परमेश्वर के लिए, हाँ, परमेश्वर को देता है, हाँ, और परमेश्वर, है ना, उसे कुछ नहीं बल्कि सील बनाता है। हाँ, हम पाते हैं जब हम परमेश्वर की ओर अपना कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए और भी अधिक कदम को बढ़ाता है, ताकि मतलब कि, है ना, हम परमेश्वर के निकट में रह सकें। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के निकट में रहेंगे, हाँ, और हमसे परमेश्वर बातें करेगा और लोग क्या होंगे, बचाए जाएंगे, है ना, हमारी गवाही को लोग पढ़ेंगे। हाँ, हमारी गवाही के द्वारा लोग विश्वास को करेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बात है। एक मैं छोटा सा एक और एक गवाही बताना चाहता हूँ मैं अपने जीवन से, है ना, जब मैं मतलब कि 5 या 6 क्लास में पढ़ रहा था। हाँ, उस समय भी मतलब कि जैसे मैं चर्च आने के आता था, इसलिए मैं जानता था दशमांश के बारे में, है ना, जैसे इधर सूची है, लेकिन हम लोग जो भी बात करें समझ रहे हैं।
है ना, दसवां देना नहीं देना सब कुछ समझ रही है ना। तो उसी प्रकार से मैं छोटा था, चर्च में आया था और आने के से हमको मालूम चला दसवांश के बारे में, हाँ आप पढ़े भी थे। तो मैं एक पेड़ लगाया था, मतलब पौधा लगाया था अमरूद का, अमरूद मालूम है, हाँ गोवा बोलते हैं अमरूद, टेमरोस और भी शब्द हो सकता है। तो अमरूद का मतलब कि पौधा लगाए, हाँ, और मतलब कि कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो गया अमरूद का, हाँ। और जब बड़ा हो गया तो उसको हम देख रहे बहुत अच्छा, झाड़ सब पूरा जैसे बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, अब तो फल लगना चाहिए है ना। तो देख रहे फल भी नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो किसी कारणवश हम अपने घर के पड़ोसी की तरफ गए थे, मालूम नहीं क्या करने गए थे, हमको भी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन गए थे उधर से हमको ऐसे कि अपने मतलब कि अपना घर तरफ ऐसे घूमे तो देखे एक फल लगा हुआ है, जो मैं पेड़ लगा मतलब पौधा लगा तो बड़ा होकर के फल दे देना, एक ही फल फला है ना, एक ही फल बड़ा मतलब फला था और काफी पका हुआ था, अपने पड़ोसी के घर से मैं देखा और तुरंत मैं अपना घर आया। तो घर आने के बाद तो उसको देखे, उसको तोड़े और तोड़ने के बाद हमें मतलब सवाल उत्पन्न हुआ कि खाने में कैसा लगता है, क्योंकि हमने लगाया है भाई है ना, तो मीठा लगता है, खट्टा लगता है, कैसा लगता है ना। और दूसरा सवाल आया परमेश्वर को देना चाहिए, दो सवाल आया और उसमें से एक ही है, हाँ, और हमने सुना है दशमांश देना है ना, और अमरूद जो है एक है ना। तो हम सोच रहे देंगे, कभी सोच रहे चढ़ाएंगे, हाँ परमेश्वर को देंगे है ना। तो दो सवाल हमारे जीवन में आ रहा था, हाँ। तो फिर हम सोची अच्छा एक तो कैसे करना चाहिए दसवां है ना, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे करना चाहिए, टुकड़ा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमारा माइंड में एक विचार आया, हाँ, कि ऐसे करते हैं परमेश्वर के कोई जन आएगा तो बांट के खाएंगे ऐसा हमने सोचा। तो ठीक है इसको अब रख दिया जाए, है तो मतलब कि कितना दिन रखे हमको भी याद नहीं, हो सकता एक दो दिन में रखा, कोई भी नहीं आए हमारे घर में, कोई भी नहीं आए, लेकिन मैं सोच कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा है ना। दशमांश के विषय में है ना कि जो नहीं देते मतलब किसे लूटते हैं है ना, अगर आप दोगे परखोगे तो परमेश्वर उसको हाँ और भी आशीष करेगा। मैं ये सोचा अब मैं इसे खा लूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा है ना। तो वो समझ के मैं खा लिया, हाँ, और खाने के बाद ठीक है अब दूसरा साल हमने मतलब कि समय बढ़ता है ना, तो दूसरा समय भी आ रहा है तो ये फल भी नहीं करे पेड़ फल ही नहीं दे रहा है, फल तो बढ़ रहा है फल रहा है फूल रहा है सब, लेकिन वो पक ही नहीं रहा है, और जब पकेगा नहीं तो खाएंगे कैसे है ना। मतलब कि ठीक है ऐसा विचार करते हैं कच्चा में ही खा लेंगे क्योंकि कभी ऐसा गांव में ऐसा होते हैं भी है कच्चा भी खा लेते, ठीक है कच्चा खाए तो खाने से तो बहुत टाइट कोई भी होता है अमृत है ना, वो पूरा दांत आपके हिल जाएगा लेकिन वो हिलने वाला नहीं तो ऐसा पूरा ऐसे दाबे तो सिर्फ छिलका ही निकलता है तो ऐसा अमृत है वो तो खाने भी कच्चा भी खाने नहीं मर रहा और पक नहीं रहा है ना। तो ऐसे ही चलो कुछ दिन और देख लेते हैं है ना। तो उसी प्रकार से मतलब कि जब तक थे अब गिने चुने ही खा पाए है ना, चार या पांच पका खाया बस, उसके बाद खा नहीं पाया, हाँ सिर्फ कच्चा ही खाया है ना। तो हमें ये बात मतलब कि ये बात हमको बाद में समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो बाद में हमें काफी दिन के बाद हम परमेश्वर का वचन को ध्यान देने लगे तब हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, हाँ तब जाके हम आज हम इस बात को बता सक रहे हैं कि जो परमेश्वर के लिए देता है, हाँ, और परमेश्वर उससे और भी अधिक देता है, हाँ है ना। उस दिन मैं परमेश्वर को नहीं दिया, हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं जान रहा था कि देना चाहिए, हाँ, और मैंने क्या कहा अपने मन से कि जो भी होगा देखा जाए हम देख लेते हैं, पहले देखा जाए। और वो आज पेड़ नहीं है, हाँ, जो मैं लगाए तो आज पेड़ नहीं है, उसको खत्म हो गया है ना, पेड़ हटा दिया गया, वहां पर घर बन गया। तो इस प्रकार से पेड़ आज नहीं है, लेकिन जो आप जिससे उम्मीद करते हैं, हाँ,
अगर आप काम करते हैं तो काम से भी आप एक उम्मीद करते हैं कि हमारा सैलरी बढ़े, है कि नहीं? आप जिस बागान में आप फल लगाते हैं उससे आप एक उम्मीद को करते हैं कि कुछ फल मिले। हाँ, जिस जगह पर काम करते हैं उससे आप उम्मीद को करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप जो भी उम्मीद करते हैं अगर उसे आप देंगे परमेश्वर के लिए, हाँ, तो आपको बड़ी आशीष देगा। हाँ हाँ, जो भी आप फल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, अगर उसका आप दशमांश देंगे, हाँ, तो परमेश्वर हाँ बहुत ही आशीष करेगा। हाँ, और आपको बड़ी आशीष करेगा। और अगर हम आज भी दिए होते, हाँ, तो है ना, अगर हम उसे लेकर के क्यों नहीं पास्टर के घर चल जाते, है ना, तो और भी अच्छा होता। चलिए आज खाते हैं क्योंकि हमारा ऐसा सोचना है, हाँ, दशमांश देना चाहिए, एक है बोल के साथ में खाएंगे, है ना, तो हो सकता है और भी अधिक फले, है ना। तो उसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है ना, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, पूरे बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो जीवित है। हाँ, आप जो बोलेंगे परमेश्वर उसे करेगा। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है ऐसा आप करने का प्रयास कीजिएगा तो परमेश्वर सही में आशीष करेगा। हाँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है ना। और हम देखते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक क्या है, वो बाइबल है। और सबसे अधिक भाषाओं में, हाँ, मतलब कि ट्रांसलेट हुआ, वो है बाइबल। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि बाइबल लोग से बात करता है, लोगों से बात करता है, और जब बात करता है उसका परिवार सुधरता है। हाँ, उसके घर परिवार में मतलब कि हाँ चेंज होते हैं और लोग मसीह में आते हैं। हाँ, एक ऐसा ही पुस्तक, ये पुस्तक है जो जीवित है, दूसरा कोई भी नहीं। हाँ, हालेलुया। और जो इस वचन को सुन करके मानता है, हाँ, वचन कहता है परख कर देखो। हाँ, अगर आप परख कर देखेंगे तो परमेश्वर सही में आशीष करेगा और सही में हाँ परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हाँ, जिस प्रकार से विलियम कोलगेट, हाँ, मतलब कि कोलगेट, हाँ, उसको परमेश्वर बहुत ही आगे बढ़ाया और आज हम सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के लिए हाँ दशमांश देंगे, हाँ, वचन कहता है तुम पर नौपद तुम पर साप, हाँ, भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ, लूटते हो मतलब कि अगर नहीं देते हो तो तुम लूटते हो। हाँ, वन सारी जाति ऐसा करती है। हम देखते हैं कि सारी जाति को परमेश्वर ने बनाया है और सारी जाति उसे लूट रहा है, अर्थात वो परमेश्वर को नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन हम और आप क्या है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हाँ, हमें ताकत देता है, काम करने के लिए सामर्थ देता है, इसलिए हमें देना चाहिए। अन्य लोग नहीं देते क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन हम और आप क्या है, जानते हैं इस विषय के बारे में, इसलिए हमें क्या करना है, देने की जरूरत है। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, वचन कहता है कि सारे दशमांश क्या करो, भंडार में लेके आओ, मतलब कि भवन में लेके आओ। हाँ, और ऐसा करके हम क्या करो, परखो। हाँ, और आपके लिए मैं, हाँ, मतलब कि आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, परमेश्वर आपसे कहता है। हाँ, आपके लिए मैं आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, इसलिए क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, भंडार में लेके आना है, परमेश्वर के भवन में हमें लेके आना है ताकि परमेश्वर का भवन में भंडार रहे, हाँ, भरा पूरा रहे, ताकि परमेश्वर के लोग आशीष को प्राप्त करें, है ना। हम लोग इस तरह करते हैं कि नहीं, हम लोग करते हैं ऐसा बहुत बार, हम लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, है कि नहीं, सही बात है। हम सोचते जरूर है, हाँ, लेकिन करते हम स्लो से हैं, है कि नहीं, सोचते जरूर है, हमारा माइंड में जरूर पैसा मिलने के बाद हम ख्याल जरूर आता है, लेकिन हम स्लो हैं। लेकिन उससे हमें क्या करना है, फास्ट करना है, और फास्ट करने के लिए हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, है ना, जब जब मिले तब तब इस वचन को पढ़िए। हालेलुया, है ना, जब भी आपको सैलरी मिले आप इस अध्याय को पढ़िए। हालेलुया, होगा, जब पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जीवित है, सबको मालूम है जीवित है,
जब पढ़ेंगे, जब आपको मिले उस समय आप पढ़िए और परमेश्वर आपको काम करेगा और आप लेके आएंगे। हालेलुया। क्या ऐसा तो हो सकता है, है ना? जिस जिस दिन हमें सैलरी मिले, है ना, उस दिन हमें यही वचन पढ़ना है। हो सकता है आप पढ़े और आप दो आपका रूटीन जो पढ़ने का है वो पढ़े, है ना, लेकिन फर्स्ट उसमें से इसमें एक जोड़िए, है ना, उसमें से एक जोड़िए और इसे पढ़ करके आप प्रार्थना कीजिए और आप चर्च में लेके आइएगा। हालेलुया। जिस दिन आप आइएगा आप लेके आइएगा, हाँ, और आपको, हाँ, जिस प्रकार से विलियम जो कोलगेट था, जिस प्रकार से परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया और आपको इस्तेमाल करेगा और आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होंगे। हालेलुया। और हम सब यही करना चाहते हैं। आमीन। करेंगे? करेंगे? ओके, बहुत अच्छा। और मैं भी कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि मैं भी पीछे हूँ, मैं भी सोलो हूँ, है ना, और इसलिए हमें क्या करना है, साथ मिलके करना है। और जब हम साथ मिलके करेंगे, हाँ, और हिंदी प्रार्थना सभा आगे होगी, है ना, ये आगे होने का एक जरिया है ना। परमेश्वर का राज्य आए, वचन कहता है, हाँ, एक प्रार्थना दिया गया है, परमेश्वर का राज्य आए। जब ये एक छोटी छोटी चीज है जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, हाँ, एक कारण है, हाँ, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो रुक सकता है, हाँ, हम प्रार्थना तो जरूर करेंगे, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो परमेश्वर ने जो दिया है उसमें से भी करना है, ताकि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष करे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में यहाँ पर साफ लिखा है, है ना, तुम पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ, ये वचन हम लोग जब भी हमें, जब भी आपका सैलरी मिले, जब भी आपको परमेश्वर आशीष दे, है ना, जब भी लगाएंगे आप, है ना, कुछ भी लगाएंगे तो इस अध्याय को पढ़िए, है ना, 6 पद से आपको यहाँ पर, हाँ, 15 पद के अंदर मतलब कि पूरे दिया गया है। तो इस वचन को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का वचन जीवित है और आपके जीवन में उसी समय काम करेगा और आप दूसरे दिन लेके आएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रकार से आपको देने के लिए सिखाएगा, हाँ, क्योंकि हम देने में बहुत पीछे हैं, तो जब हम ऐसा वचन को पढ़ें जो, हाँ, हमें आगे ले सकता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छी बात को सिखा रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम दें और परमेश्वर कहता है कि मैं आशीष की वर्षा करूंगा। हम दे, परमेश्वर की आशीष की वर्षा आएगी। हम दे, परमेश्वर की आशीष की वर्षा आएगी। जब आप देंगे, परमेश्वर की आशीष की वर्षा आएगी। हालेलुया। जब आप हाथ को बढ़ाएंगे देने के लिए, हाँ, है ना, परमेश्वर ऑलरेडी तैयार है देने के लिए दोगुना। हाँ, पिछले दिनों में पास्टर ने एक बहुत ही अच्छा गवाही बताए थे। हाँ, मैंने चावल दिया था, है ना, चावल दिए थे उस प्रकार से, और परमेश्वर ने और भी मतलब चावल दिए, हाँ, इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा लगा मुझको, बहुत ही अच्छा गवाही। तो सो परमेश्वर को धन्यवाद होने पाए, इस प्रकार से छोटा जब अब हम देते हैं खुल के, हाँ, है ना, तो परमेश्वर बहुत ही आशीष करता है और हम सबको परमेश्वर बहुत ही अगुवाई करता है, हाँ। और इस प्रकार से क्या होगा, हम हिंदी प्रार्थना सभा की कलीसिया क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, हैं। तो ये छोटी वचन के द्वारा सबों को आशीष